जनपद सिद्धार्थनगर के गांधी स्मारक संयुक्त जिला चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट से आईसीयू के गैलरी में लग गई आग। आग लगते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। गैलरी में खड़े मरीजों के परिजनों ने तुरंत डॉक्टर को सूचना देना चाहा, परंतु डॉक्टर मौजूद ही नहीं थे। मौके पर तैनात सफाई कर्मचारियों को बुलवाकर और खुद मरीजों के परिजनों ने आग बुझाने की कोशिश किया। इस कोशिश में कर्मचारियों के कपड़े तक जल गए, परंतु आग पर काबू पा लिया गया। कहीं ना कहीं इस आग लगने की वजह के पीछे इलेक्ट्रीशियन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और डॉक्टर की अस्पताल में अनुपस्थित रहना मरीजों व अस्पताल के साथ दुर्व्यवहार करना है और इस दुर्व्यवहार से मरीज एवं अस्पताल के साथ अन्याय किया जा रहा है, जो देश व समाज के हित के लिए सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मरीजों के तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में शौचालय साफ सफाई बिल्कुल नहीं रखता है। अस्पताल में पानी की कोई सही व्यवस्था नहीं है, जिससे मरीजों को लेने वाले तीमारदारों को भी कई समस्या का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में साफ सफाई भी नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। यह साबित करता है कि अस्पताल में गंदगी भरी हुई है। एयर बदबू अस्पताल में फैल रहा है, जिससे मरीजों को मौत के मुख में ढकेलने का काम चिकित्सालय कर रहा है। परिवार जुटा हुआ है और मरीज का अस्पताल में दम घुटता है। ऐसी व्यवस्था अस्पताल के लिए शर्म की बात है। जहां जीवन मिलता है, वहीं जान जाने की सवाल भी होता है। सर, क्या मामला, कैसे आईसीयू में आग लगी? आईसीयू में आग नहीं लगी है। पीआईसीयू के बाहर जो कॉरिडोर है, उसमें जो मरीजों के तीमारदारों के रुकने के लिए व्यवस्था है, वहाँ पे पंखा ऊपर लगा था और पंखे में शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है पंखा का पट्टी जल गया। सर, ऐसे मामले इससे पहले भी हुए शॉर्ट सर्किट के, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके पहले कहाँ हुए? इससे पहले शॉर्ट सर्किट का मामला हुआ था, उसकी जानकारी हमें नहीं है। सर, देखा गया है कि जनों को जो भी आग लगा है, उसकी किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है, केवल पंखा जला है बस। सर, परिजनों का कहना है यहाँ बहुत सारी गंदगी पाई जा रही है, किसी प्रकार का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है नहाने और बैठने के लिए, क्या कहोगे? अरे, सब व्यवस्था है भाई, नहाने के लिए भी, बैठने के लिए बन भी रहा है, जो व्यवस्था है और है ऑलरेडी बन भी रहा है बैठने के लिए। सर, यहाँ कहा जा रहा है कि तीमदारों के लिए आपने रैन बसेरे का व्यवस्था किया, लेकिन वो रैन बसेरा दिख नहीं रहा और मरीज पूछ रहे हैं कहाँ? रैन बसेरा उधर बना हुआ था पहले, लेकिन अब व्यवस्था नज़दीक में बन रही है, उधर लोग जाते नहीं थे, अब नज़दीक में बन रही है, इसमें लोग रहेंगे। क्या हुआ? शुरू में फैन में अंदर आग लग रही थी। मैं दौड़ के एक कर्मी को यहाँ बुलाया, लेडीज थी, अंदर थी आईसीयू में, वो नहीं आई बाहर। मैं दौड़ के एक राहुल पांडे नाम के हैं, वो जो कि ड्यूटी में नहीं थे, हमारे बच्चे को देखने आए थे, उनको बुला के लाए, वो दूसरे को फिर बुला के लेके गए हैं, गैस सिलेंडर लेकर आए हैं उसको बुझाने के लिए, उसमें फिर पड़ाका मारा है, जो बुझा रहा था उसके पीठ पे जल गया, इतने भागदौड़ और तेज मच गया है। उसके बाद में फिर दोबारा गैस सिलेंडर से बुझाया गया है, पब्लिक यहाँ अस्त व्यस्त हो गई थी। अस्पताल कर्मियों का क्या हाल रहा? अस्पताल कर्मियों का, यहाँ न टेक्नीशियन था, न इलेक्ट्रीशियन था, न कोई था, न गार्जियन कोई था, बहुत लापरवाह, कोई डॉक्टर नहीं है। उस समय आपको कैसा लग रहा था? अब कैसा लग रहा है, ऐसा हो रहा था कि जो बच्चे हैं सब अंदर चल कर मर जाएंगे, जितने पब्लिक हैं सब मर जाएंगे, यहाँ ऐसा स्थिति हो गया था। 5 मिनट के लिए तो बहुत भारी तकलीफ हुआ था। जो व्यक्ति जला है वो कहाँ? उसके पीठ पे भी जल गया। यहाँ आप लोग मरीज को लेकर के आए, क्या क्या दिक्कतें हैं आपको यहाँ? यहाँ सबसे बड़ी कुव्यवस्था शौचालय की है, जो कि पेशेंट कहाँ जाएगा, अभिभावक कहाँ जाएगा, इनका कोई रैन बसेरा ही इन्होंने लिख दिया, रैन बसेरा मुफ्त में है, अभिभावक रह सकता है, लेकिन रैन बसेरा का पता ही नहीं है, पीने का पानी कोई ढंग का नहीं है, अगर वहाँ मशीन लगी हुई है तो न तो वो ठंडा दे रहा है, गंदा दे रहा है या कैसा दे रहा है। यहाँ जो भी व्यवस्था है, सारी कुव्यवस्थाओं के बीच में पड़ी हुई लापरवाही है। जो भी आग लगा है, इनके स्टाफ जो है भाग करके, हम लोग तो ऑपरेशन के पेशेंट वाले हैं, कहाँ भाग के जाते, बच्चे को लेके जा सकते, लेकिन उसकी माँ को कैसे लेके भागे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धानंद पांडे।